तो गाइस गणेश देखने आ गए हैं। देखो कौन कौन सा अच्छा है। कितने का ये वाला? लाल बाग के लाल है तो दिखाओ, वो वाले दिखाओ, लाल बाग के लाल। इतना बड़ा साइज हो गया क्या? ये लाल बाग पूरे मार्केट में नहीं होगा ऐसा कुछ। लाल बाग तो गाइस डन कर दिया। मुझे तो सबसे सुंदर ये वाला भी लग रहे थे, बहुत ही प्यारे हैं। अगर आपको ये मूर्ति सब लेना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, एक मूर्ति पे नोएडा यहाँ मिल रहा है, बहुत प्यारे प्यारे। और ये देखो ये वाला भी सुंदर है, ये देखो सुंदर सा है। और ये कितनी सुंदर ये वाला है, मतलब पूरा एक पे एक है, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं कि कौन सी हूँ, पर मुझे बहुत सुंदर मुझे मिल गया है, बहुत ही प्यारा मिल गया। बहुत दूर आना पड़ा मुझे लेने के लिए, बहुत दूर से मिला है मुझे ये। देखो कितना वस्त्र पहना हुआ, बहुत कम मिल रहा था यहाँ पे। ये वाला कितना सुंदर है, ये देखो कितना प्यारा है, ये कितना प्यारा है, ये कितना प्यारा है, ये कितना प्यारा है। और एक वाइट कलर का था, वाइट वाला भी बहुत सुंदर है, सब प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। ग्रेटर नोएडा यहाँ बहुत दूर आना पड़ा हमें, बट मिल गया, बहुत ही अच्छा। तो गाइस बहुत ही सुंदर सुंदर आया हुआ है, बहुत बहुत ही। वो पीछे जो है ना, वो पीछे जो है गणेश जी, वो ये बहुत प्यारे बकरी वाले हैं। और इधर भी है, बहुत अच्छे हैं, देख रहे कितने सुंदर सुंदर हैं। आप आके ले सकते हो यहाँ से, बहुत ही प्यारे हैं। मतलब इस बार कुछ अलग सा ही आया है कपड़े पहने हुए, पिछली बार नहीं था ऐसा, बहुत ही प्यारा है। ये देखो कितना प्यारा है। इसमें आ गई घर और इतना सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्ति थी, इतनी सुंदर सुंदर। और पता है फर्स्ट टाइम ड्रेसेस में कपड़े पगड़ी ड्रेस पहने हुए गणेश जी मुझे मिली इस बार। और मैं हर साल ढूंढती थी ऐसी तस्वीर, मतलब कि मूर्ति तो मुझे नहीं मिलती थी क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं इस एरिया में। तो गाइस इस बार मुझे इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति दिखी है, मतलब देख के मेरा मन कर रहा था मैं सारा ले लूँ, इतना मेरा मन कर रहा था कि मैं सारा ले लूँ गणेश जी इतना। और गाइस मैंने एक बुक करके पैसे एडवांस दे दिया है उनको, और वो मैं लाऊंगी 6 तारीख को, क्योंकि 7 को पूजा है तो सुबह सुबह जा के लाना, बेच ना दे, मुझे ये भी डर है। मगर गाइस इतना सुंदर कि मैं कभी भी, बॉम्बे साइड में तो एक से एक मिलता है, बॉम्बे में तो पूछो मत, खजाना है वहाँ तो, बहुत सुंदर सुंदर मिलता है गणेश जी लक्ष्मी जी का मूर्ति। और यहाँ तो मुझे फर्स्ट टाइम मिला इतना सुंदर, नहीं तो हमेशा मैं सिंपल लाती थी। तो अब ले आई हूँ, तो 6 तारीख को मैं घर में ले आऊँगी, और 7 को पूजा है, मंडप बनेगा यहीं पे पूरा, क्योंकि स्पेशली मैं ये चीज़ लेके आई थी ना, यहीं सजेगा सारा चीज़ें। और 6 तारीख को बहुत अच्छा से धूमधाम से करूँगी मैं पूजा। और इस बार मैं गाइस 2 दिन के लिए गणेश जी लेके आ रही हूँ, और 2 या 3 दिन के लिए लेके आऊँगी, 3 दिन के लिए सही रहेगा। और बाकी जो पिछले साल 7 दिन के लिए आती थी, क्योंकि मैं इस बार मेरे को जाना है दुबई, टाइम उसका टिकट वगैरह सारा ऐसा है प्रोसेस से, क्योंकि लंबा टाइम तक रखने से अच्छा कि सेवा जितने दिन करो उतने दिन के लिए सही लाओ, अच्छे से रखो, फिर विसर्जन कर दो बहता पानी में या आपके गमला है छोटा सा उसमें। तो ये इको फ्रेंडली जो होते हैं ना, जैसे कि आप टब वगैरह में पानी भर के उसमें विसर्जन कर दो और फिर वही पानी गमले में डाल दो, तो आपका सही रहता है। क्योंकि जमुना वगैरह में विसर्जन में करती थी, इतना गंदा पानी में विसर्जन करके आई मैं पिछले साल, मैं इतनी रोई कुछ कहने के लिए, क्योंकि इतना काला गंदा गारा बदबू वाला पानी,
पर मैं उसमें नहीं करूँगी विसर्जन, इस पर मैं जाऊँगी छोटा हरिद्वार पर विसर्जन करने, उसमें करना है विसर्जन मुझे बहता हुआ पानी में, साफ सुथरे में, नहीं तो फिर मैं यहीं पर ड्रम वगैरह में करके फिर यहीं पर विसर्जन करूँगी। तो गाइस मंडप का भी जो था ऑर्डर मैंने कल दे दिया था, आज गणेश जी का ऑर्डर दे दिया मैंने, और मेन रह गया है जो भोग का सामान वगैरह है वो 7 को ही सब कुछ आएगा, मतलब 6 को ही ले आऊँगी क्योंकि उस दिन मैं परेशान नहीं हो सकती, उसी दिन सब कुछ पहले से अवेलेबल रहेगा घर पे। और उसके बाद जो सामान डेकोरेशन का जो दीवार पे थोड़ा सा डेकोरेशन होगा ना वो आराम ने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है। गाइस मैं अब इस वीडियो को करते मैं यहीं पर एंड, और अगर आप लोगों को चाहिए गणेश जी तो सबसे सुंदर गणेश जी जो है ग्रेटर नोएडा में 4 मूर्ति के पास मिलती है, क्योंकि मुझे परी चौक से वापस आना पड़ा, परी चौक से लेने आना पड़ा 4 मूर्ति के पास, तो वहाँ पे एक से एक मूर्ति है वहाँ पे, और शायद 2-3 दिन के बाद छठ जाए बिक जाए सारा, तो वहाँ से आप ले सकते हो, बहुत ही प्यारा प्यारा गणेश जी है वहाँ पर। तो चलो वीडियो करती हूँ मैं एंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना, कमेंट करना, अपना सुझाव देना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।